प्राइवेट स्कूल संघ अब प्राइवेट स्कूलों की मांगों को लेकर 30 अगस्त यानी वीरवार को पंचकुला के शिक्षा सदन का घेराव करेगा। गौरतलब है कि प्राइवेट स्कूल संघ के 10,000 निजी स्कूल अपनी मांगों को लेकर शिक्षा सदन का घेराव करेंगे, जिसके लिए रणनीति बनाई जा चुकी है। अस्थायी स्कूलों को स्थायी किए जाने व एक कमरा एक कक्षा के एवज में मान्यता देने की मांग को लेकर प्राइवेट स्कूल संघ ने प्रेस वार्ता के जरिए ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रदेश भर में सभी प्राइवेट स्कूलों से संपर्क किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इन मुद्दों को लेकर सभी प्राइवेट स्कूलों से बात हो गई है। प्राइवेट स्कूल संघ के प्रदेशाध्यक्ष उमेश शर्मा ने कहा कि इसके लिए प्रदेश भर का दौरा किया जा चुका है तथा कल यानी कि 30 अगस्त को प्राइवेट स्कूल संघ शिक्षा निदेशालय का घेराव करके अपनी बात रखेगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे किए थे कि प्राइवेट स्कूलों को राहत देने का काम किया जाएगा, लेकिन राहत देना तो दूर, उन पर अलूल जुलूल नियम थोपे जा रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी, अगर 30 अगस्त को शिक्षा सदन के घेराव के बाद भी सरकार नहीं जागी तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। अपना रोल निभाए, क्योंकि उनके मैनिफेस्टो में भी ये लिखा हुआ था कि जब भाजपा सरकार आएगी तो हम एक कलम से उनको एक कमरा एक कक्षा के हिसाब से मान्यता दे देंगे। जिस वादे पे सरकार अब ढुलमुल रवैया अपनाई हुई है, तो हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी से और सभी मंत्री जो हमारे माननीय मंत्री जी हैं उनसे अनुरोध है कि वो एक कमरा एक क्लास के हिसाब से और जो अस्थाई स्कूल हैं उनको स्थाई मान्यता के लिए और जो प्ले स्कूलों पर तालाबंदी हो रही है उसको तुरंत रुकवाएं और स्कूलों के हित की बात जो उन्होंने सरकार आने से पहले की थी उस पर जल्दी से जल्दी उसको एक लिखित रूप में एक कमरा एक कक्षा के हिसाब से सभी को स्थाई करने का काम करें। पूरे प्रदेश सत्र के हमारे जो पदाधिकारी हैं और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जो सत्यवान कुंडू जी, उन्होंने पूरे सभी जिलों का दौरा किया है। कल भवानी खेड़ा में भी आए थे, जिसमें सैकड़ों की संख्या में हमारे स्कूल संचालक आए हुए थे। भिवानी से मैं मानता हूँ कि हजारों की संख्या में कल स्कूल संचालक आना। हिंद एक्सप्रेस के लिए भिवानी से अमन शर्मा की रिपोर्ट।